आप सभी का चलचित्र अभियान में स्वागत है। हम फिलहाल शब्बीरपुर गांव में हैं, जो सहारनपुर ज़िले में पड़ता है। जैसे आप लोग में से कई लोग आप कई लोग जानते होंगे कि 5 मई को इस साल शब्बीरपुर गांव में राजपूतों की एक बहुत बड़ी भीड़ ने यहां के दलितों के इस गांव के दलितों पर बहुत भयंकर तरीके से हमला किया था। 55 से ज़्यादा घर जला दिए थे और उसी के साथ साथ कई लोगों पर जानलेवा हमले भी हुए। कई लोग काफ़ी देर के लिए, दलित समाज के कई लोग काफ़ी देर के लिए अस्पताल में भी थे। अभी आज जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि इस पूरी घटनाक्रम के बाद जब भीम आर्मी के लोग और अन्य दलित संगठन भी जब इस घटनाक्रम के खिलाफ खड़े हुए थे और 9 तारीख को जो जिन मांगों के साथ वो खड़े हुए थे कि 9 मई को सहारनपुर शहर में कि शब्बीरपुर के जिन लोगों पर हमला हुआ है उनको मुआवजे मिले, सरकार मुआवजों की घोषणा करे और उसी के साथ साथ कि जिन लोगों ने हमला किया उन पर कार्रवाई हो, लेकिन और 9 मई की इस विरोध प्रदर्शन में जब पुलिस पर हमला हुआ तो ये प्रदर्शन थोड़ा हिंसक भी हो गया था, जिसकी वजह से भीम आर्मी पर एक किस्म का विच हंटिंग शुरू हुआ। और अभी कुछ ही दिन पहले भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर आज़ाद पर रासुका तक लगा दी गई है और उसी के साथ साथ शब्बीरपुर के 2 दलितों पर जो यहाँ के प्रधान थे, दलित प्रधान थे शिव कुमार और उसी के साथ साथ एक नौजवान यहाँ के दलित नौजवान सोनू कुमार, इन दोनों पर भी रासुका लगा दी गई है। रासुका के चलते आज शब्बीरपुर के कई सारे दलित, शब्बीरपुर गांव के कई सारे दलित आज भूख हड़ताल पर बैठे हैं इस मांग से कि ये भूख हड़ताल की रासुका हटाई जाए। और अभी हम यहाँ शब्बीरपुर के जो यहाँ के गांव के लोग हैं जो भूख हड़ताल पर बैठे हैं, जो महिलाएं खास करके जो अभी भूख हड़ताल पर बैठी हैं, उनसे बात करते हैं। जी, आपका नाम? प्रीति। आप लोग क्यों भूख हड़ताल पर बैठे हैं? हमारे यहाँ 5 मई को लड़ाई हुई थी, ये तो सबको ही पता है। इतनी तगड़ी लड़ाई हुई, हमारे घर जलाई आग भी नहीं थी, हमारे लोगों पे अत्याचार हुआ, फिर भी प्रशासन एक तरफा कार्रवाई कर रहा है। हमारे लोगों को रासुका लगा चुके हैं और उन लोगों को फिर भी आजाद घूम रहे हैं, उन पे कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, इसलिए हम भूख हड़ताल कर रहे हैं। आपकी मांग क्या है भूख हड़ताल में? हमारे लोगों से रासुका हटाई जाए। और अभी जो आपने सुना होगा कि आपके गांव से 2 लोग जो जिन पर रासुका लगी है उनके बारे आप उन दोनों को जानते हैं, कौन है? मेरे एक गांव के प्रधान है, एक भैया लगते हैं हमारे गांव के। और आपको क्या लग रहा है जो राजपूत समाज पर जिन पर हमला हुआ, जिन्होंने हमला किया था, क्या उन पर भी रासुकाएं लगी हैं क्या? ना, प्रशासन ने एक तरफा कार्रवाई की है, उन पर कोई रासुका नहीं लगाई। जब हमारे लोगों पे इतना कुछ किया है तो उन लोगों पे भी होनी चाहिए रासुका। तो आप लोग कब तक भूख हड़ताल पर बैठने की तब सोच तक रहे हैं? प्रशासन हमारा साथ नहीं देगा, हमारे लोगों को रासुका नहीं हटाएगा तब तक आप लोग भूख हड़ताल पर हैं। तो क्या आप अनिश्चित भूख हड़ताल पर हैं? आप कुछ बोलना चाहेंगे? बोलिए बोलिए। मेरा नाम निशा है। हम तब तक ही भूख हड़ताल रखेंगे तब तक और आंसू को नहीं हटने की और कार्रवाई नहीं करने का प्रशासन, दोनों दलितों पर भी और उन पर भी, ये प्रशासन को कार्रवाई करनी चाहिए। तो जैसे आपने देखा कि जो बांग उठ रही है कि रासुका जो लगी है, कि जिन पर हमला हुआ है, जिस समाज पर हमला हुआ है उन्हीं के ऊपर रासुकाएं लग रही हैं, और ये रासुका एक बहुत बहुत ख़तरनाक कानून है, जिसके तहत एक ड्रकोनियन कानून है, जिसके तहत बहुत सारी आपकी सिविल लिबर्टीज छीन ली जाती है अगर वो आप पर लग जाए। तो इन्हीं मांगों के साथ, और ये भी बोला जा रहा है कि ये एक अनिश्चित भूख हड़ताल है कि जब तक रासुकाएं नहीं हटाई जाएंगी। याद रहे ये शब्बीरपुर गांव है जहां पर दलितों पर कुछ ही महीने पहले 5 मई को इस साल एक बहुत भयंकर तरीके से हमला हुआ था, बहुत लोगों के घर जलाए गए थे। और अजीब बात यह है कि यहीं इसी गांव के दो दलितों पर, चंद्रशेखर आज़ाद रावण के साथ साथ इसी गांव के 2 दलितों पर भी रासुकाएं लगाई गई हैं। यहां पर कुछ बैनर्स भी लगे हैं, मैं आपको वो बैनर्स एक बार दिखा देता हूं। ये देखिए, ये भीम आर्मी एकता मिशन जो संगठन है, चंद्रशेखर आज़ाद रावण पर रासुका लगाए जाने के विरोध में अनिश्चित भूख हड़ताल। उसी के साथ साथ ये ग्राम शब्बीरपुर में जो प्रधान थे शिव कुमार और सोनू कुमार, इन दोनों पर भी रासुकाएं लगा दी गई हैं। इन रासुकाओं को हटाने के लिए यहाँ पर भूख हड़ताल हो रही है। अभी हम
और भी कुछ लोगों से बात करेंगे, यहाँ और जो महिलाएं बैठी हैं इनसे भी समझने की कोशिश करते हैं कि ये कब तक भूख हड़ताल पर बैठेंगी और क्यों। जी बाजी, आप लोग कब तक भूख हड़ताल पर बैठने की सोच रहे हैं? 10-15 दिन तक 8-9 दिन तक। हाँ जी, जब तक प्रशासन कार्रवाई नहीं करने का तब तक हम ऐसे ही बैठे रहेंगे, कितना भी टाइम तो आप क्या तक यही चलेगा, आप बैठे रहेंगे यहाँ भूख हड़ताल? और क्या अभी गांव के कई लोग नहीं जुड़े हैं दलित? हाँ जी माँ जी, आप कुछ कह रहे थे? हाँ जी, आप कब तक बैठेंगे भूख हड़ताल? 15 दिन हो जाओ, महीना हो जाओ, इतना भूख हड़ताल रखेंगे नहीं, हमें यहाँ इंसान मिलेगा, सहारनपुर भी, देवगढ़ भी, रामपुर भी, मैं कहीं भी कर सका है। आपको क्या लग रहा है कि ये जो नई सरकार आई है, इस सरकार में आने के बाद सरकार के द्वारा ही सब कुछ हो गया है? मतलब 5 मई को इतनी 5 मई को इतनी तगड़ी लड़ाई हुई है, प्रशासन अभी तक जागी नहीं, सरकार जागी नहीं अभी तक, उन्होंने इतना सब कुछ देखने के बावजूद भी सो रही है सरकार अब तक, क्यों नहीं देखा उन्होंने इतना? मतलब हमारे लोगों पे अत्याचार हुआ है और हम लोगों पे ही रासुका लगा दी गई है, हमें जेल में डाल दिया गया, ऐसा क्यों हो रहा है हमारे साथ में? तो क्या आपको लग रहा है कि ये सरकार जब से आई है, और हाँ मैं अपने दर्शकों को भी बता दूं जल्दी से, एक सेकेंड, कि मैं अपने दर्शकों को भी बता दूं कि अगर आप लोगों के भी कोई सवाल हैं तो हम बार बार आज फेसबुक लाइव करते रहेंगे यहाँ से, अगर आपके भी कुछ सवाल हैं तो आप उन सवालों को भेज सकते हैं। यहाँ पर एक मैसेज संदेश आया है, कई लोग यहाँ पर आपके लिए संदेश भेज रहे हैं। एक संदेश आया है कि संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं, और देश भर से लोग आपको आपका साथ दे रहे हैं, आपके समर्थन में है। तो आप एक चीज़ बताइए कि आपको क्या लग रहा है कि जब से ये नई सरकार आई है क्या माहौल और ख़राब हुआ है दलितों के? जी हाँ, गुंडागर्दी फैला दी गई इस सरकार ने, इसकी सरकार के मेन मकसद ये था कि दलितों पे अत्याचार हो। हाँ जी माँ जी, जो दलित आदमी बोलता उन्हें जेल में डालता, पकड़ो हार कर अंदर, कानून आई वो भी तो हमारी साथ हमें खड़ा हुआ था, उनका फिर भी उनपे मतलब ऐसे ही रासुका लगा दी। ठीक है, आपको अभी ये भी बता दें कि यहाँ शबीरपुर गांव के कई दलित नौजवान लड़के और लड़कियाँ अभी यहाँ रामपुर मनिहार, सहारनपुर ज़िले में ही रामपुर मनिहार, वहाँ एक ज्ञापन देने गए हैं वहाँ डीएम को, वो लोग थोड़ी देर में यहाँ पहुँचने वाले हैं। तो अभी हम फिर से बहुत जल्दी एक फेसबुक लाइव और करेंगे ताकि उस ज्ञापन के बारे में और वहाँ पर क्या बातचीत हुई अफसरों से वो आप तक हम बात लेकर आएंगे। आप जुड़े रहें चलचित्र अभियान के साथ, हम आज दिन भर फेसबुक लाइव करते रहेंगे। शुक्रिया।